स्टैक एप्लीकेशंस, ओके, कहाँ कहाँ पे आप स्टैक को यूज़ कर सकते हो, रिवर्सिंग अ लाइन, किसी भी लाइन को अगर आपको रिवर्स करना है, ओके, तो आप स्टैक का यूज़ कर सकते हो. वी कैन अकम्प्लिश दिस टास्क बाय पुशिंग ईच कैरेक्टर ऑन टू अ स्टैक एज इट इज़ रीड. ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको आप यहाँ पे स्टैक क्रिएट कर रहे हो बाय पुशिंग द कैरेक्टर्स इनसाइड द स्टैक, राइट. अब यहाँ पे हम क्या करें, एक लंबर लाइन ले रहे हैं, तो इसके अंदर हमने कैरेक्टर्स को पुश किया. फर्स्ट आपने फिफ्थ नंबर 5 इसके अंदर डाला, ओके, पुश किया, देन 4, देन 3, देन 2 एंड 1, ठीक है. तो ये आपका एक स्टैक बन गया है 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का, ओके. व्हेन द लाइन इज फिनिश्ड द कैरेक्टर्स आर देन पॉप्ड ऑफ द स्टैक एंड दे विल कम ऑफ इन द रिवर्स ऑर्डर. अब आप क्या करोगे, अब आप इस स्टैक को एम्प्टी करोगे और जो इसके एलिमेंट्स हैं आप वो दूसरे स्टैक के अंदर डालोगे, ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट जाएगा, जो सेकंड स्टैक है उसके अंदर, वो क्या जाएगा, 1 जाएगा, ओके. यहाँ पे 1 क्या था, टॉप ऑफ द स्टैक था. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द स्टैक ही बन गया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे. तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज थी वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई है. जो लाइन थी इसकी 1, 2, 3, 4, 5 स्टैक की, अब वो रिवर्स हो चुकी है, अब वो बन चुकी है 5, 4, 3, 2, 1, राइट. तो यहाँ पे स्टैक की हेल्प से आप लाइन को रिवर्स कर सकते हो, डेटा को रिवर्स कर सकते हो, ओके. नेक्स्ट वी हैव नोटेशंस फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द 3 नोटेशंस. किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को आप 3 नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स यूजिंग दिस टैग. Infix notation. Operators are placed in between the operands. Infix notation के अंदर operators operand के बीच में आते हैं, ठीक है. जैसे आपका यहाँ पे मैंने लिखा a plus b, तो यहाँ पे a and b क्या है, आपके operands हैं, and plus क्या है, आपका operator, ओके. तो यहाँ पे देखो in between आए हैं operands के, fine. जैसे यहाँ पे मैं example में देखेंगे, x क्या है आपका operand, ओके, देन मल्टीप्लीकेशन का आपका सिंबल है वो क्या है, ऑपरेटर y, देन प्लस आपका ऑपरेटर है एंड देन z. तो यहाँ पे x, y एंड z आपके क्या है, ऑपरेंड्स है, एंड मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर्स है, ओके. तो इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है, ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के इन बिटवीन आते हैं, उनके बीच में आते हैं, ओके. नेक्स्ट वी हैव प्रीफिक्स और पॉलिश नोटेशन. ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड बिफोर द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेंड्स. यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेंड्स से पहले ऑपरेटर्स आते हैं, राइट, बिफोर द ऑपरेंड्स. यहाँ पे देखो प्लस आया है जी से पहले, ओके, देन आपका मल्टीप्लीकेशन है एंड एक्स एंड वाई है. ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन 3, ओके, 3 क्या है आपका ऑपरेंड एंड मल्टीप्लीकेशन आपका क्या है, ऑपरेटर, राइट, देन आपका प्लस है एंड देन 45, ओके. तो यहाँ पे जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो कहाँ आए हैं, वो ऑपरेंड से पहले आए हैं, बिफोर द ऑपरेंड्स, ओके. देन वी हैव पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट, और इसको आप रिवर्स पॉलिश भी कह सकते हो, रिवर्स पॉलिश नोटेशन. ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेंड्स. यहाँ पे ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बाद आते हैं, ओके. यहाँ पे देखो एक्स वाई आपका क्या है, ऑपरेंड एंड देन द मल्टीप्लीकेशन साइन एंड देन जी एंड देन प्लस, राइट, 345 प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेंड्स, 345 क्या है, ऑपरेंड, ऑपरेंड के बाद आए हैं, ओके. सो हेयर वी हैव 3 नोटेशंस, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स. कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, एक्सप्रेशन को. आपका इनफिक्स क्या होता है, जहाँ पे ऑपरेटर इन बिटवीन आता है, जैसे आपने लिया ए प्लस बी, राइट, एंड पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होता है, जहाँ पे आपका ऑपरेटर क्या आता है, आफ्टर दी ऑपरेंड, राइट, जैसे ए बी प्लस लाइक दिस, राइट. तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आपको जो भी एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको आपको कम्प्लीटली स्कैन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फॉलो दीज 5 बेसिक रूल्स, और इन पांच रूल्स को आपको फॉलो करना है, ओके. इफ देयर इज अ सिंबल ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस का सिंबल आता है, पुश इट इन टू द स्टैक. उसको कहाँ पे आप डाल दोगे, स्टैक के अंदर, ओके, राइट. इफ द सिंबल इज एन ऑपरेंड, अगर सिंबल क्या है, कोई ऑपरेंड है, लाइक आपका ए हो गया या बी हो गया, इट गोज डायरेक्टली टू द आउटपुट, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आउटपुट के अंदर, ठीक है. अभी मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, फिर हम इससे रिलेटेड एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, फाइन.
तो सबसे पहले क्या था, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारा स्टैक के अंदर चला जाएगा पैरेंथेसिस। ओके, अगर ऑपरेंड आता है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, वो डायरेक्टली चला जाएगा आपके आउटपुट के अंदर, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, इफ द सिंबल इज एन ऑपरेटर, अगर कोई भी सिंबल है क्या है, वो क्या है ऑपरेटर है आपका, प्लस माइनस कुछ भी ऑपरेटर है, चेक द ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, तो उस टाइम पे आपको स्टैक के टॉप पे देखना है कि कौन सा ऑपरेटर है वहां पर। ठीक है, इफ इट इज ऑफ द सेम और हायर ऑर्डर, अगर वो ऑपरेटर सेम या हायर ऑर्डर का है, ठीक है, तो क्या होगा, द ऑपरेटर इज पॉप्ड एंड गोज टू द आउटपुट, ऑपरेटर कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा। जैसे मान लो ये आपका स्टैक है, राइट, आपका स्टैक है और उसके टॉप पर क्या था, उसके टॉप पर मल्टीप्लीकेशन था, राइट, लेकिन अब सिंबल जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, इसके अंदर पुश हो रहा है प्लस का, तो जो मल्टीप्लीकेशन वाला है वो क्या है, हायर ऑर्डर का है, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका आउटपुट में, मल्टीप्लीकेशन आपका चला जाएगा आउटपुट में, राइट, और प्लस इसके अंदर पॉप, इसके अंदर पुश हो जाएगा, स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल पॉप हो जाएगा और प्लस का सिंबल क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, इफ देयर इज अ सिंबल ऑफ राइट पैरेंथेसिस, जब राइट पैरेंथेसिस का सिंबल आएगा, पॉप एवरीथिंग अप टू द फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो जहां तक फर्स्ट, जो फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस है वहां तक जितना भी डेटा है वो सारा पॉप होके आउटपुट में चला जाएगा। बट बोथ द पैरेंथेसिस डू नॉट गो टू द आउटपुट, लेकिन ये जो पैरेंथेसिस होते हैं लेफ्ट एंड राइट, ये आउटपुट में नहीं जाते हैं, राइट। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है, ओके, एक्सप्रेशन का, आपका एक्सप्रेशन का लास्ट एंड हो गया लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा, पॉप ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, स्टैक के सारे एलिमेंट्स पॉप कर दो एंड अपेंड द आउटपुट अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, और जितना भी जो भी एलिमेंट्स बचे हैं वो आउटपुट पे चले जाएंगे जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, ये जो रूल्स है ये हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के टाइम पर फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस देख लेते हैं ऑपरेटर्स की, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो प्रिसिडेंस होती है वो आपकी एक्सपोनेंशिएशन की होती है, राइट, इसकी वैल्यू 3 है, इससे जो लोअर होती है वो आपकी है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन की, एंड लोएस्ट आपकी है प्लस एंड माइनस की, राइट। तो वी विल फॉलो दीज रूल्स while conversion from infix to the postfix notation. Convert the following infix expression to the postfix expression. यहाँ पे हम infix expression को postfix expression में convert करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपका expression दिया हुआ है, okay? तो सबसे पहले जो symbol scan होगा वो आपका p होगा, right? ओके, अब देखो ये पी क्या है, पी आपका क्या है, ऑपरेंड है। तो रूल क्या था, इफ द सिंबल इज एन ऑपरेंड इट गोज डायरेक्टली टू द आउटपुट, वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा, ये आपका आउटपुट है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, राइट, ओके। यहां पे स्टैक में अभी कुछ नहीं आया। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, राइट। अब ऑपरेटर आता है तो आपको क्या करना होता है, स्टैक का टॉप चेक करना होता है कि उसमें कौन सा ऑपरेटर है, सेम प्रेसिडेंस का है या हायर प्रेसिडेंस का है, लेकिन अभी हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, ये स्टैक के अंदर चला जाएगा ऑपरेटर, ओके, और आपका आउटपुट में क्या है, पी है, फाइन। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट हमारा है लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस क्या होता है, इफ देयर इज अ सिंबल ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश इट इनटू द स्टैक, डायरेक्टली ये कहां चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा, तो आपका स्टैक में क्या आ जाएगा, प्लस एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, ओके, और अभी आपकी आउटपुट में क्या है, ओनली पी, फाइन। नेक्स्ट आपका क्या है, क्यू, क्यू क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड डायरेक्टली कहां चला जाएगा, आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, मींस आउटपुट में, ओके, तो यहां पे आपका आएगा प्लस दिस एंड देन यहाँ पे आपका हो गया पी क्यू, राइट, आपका पी क्यू हो गया, राइट। अब नेक्स्ट आपका सिंबल क्या है, नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन, राइट, मल्टीप्लीकेशन है आपका, ओके। अब देखो यहाँ पे स्टैक का टॉप चेक किया जाएगा, स्टैक के टॉप पे क्या है, हमारे स्टैक के टॉप पे लेफ्ट पैरेंथेसिस, फाइन, तो यहाँ पे कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन कहाँ चला जाएगा, स्टैक के टॉप पे चला जाएगा, स्टैक के टॉप पे चला गया, और यहाँ पे आपका क्या है अभी पी क्यू, राइट, ओके। नेक्स्ट आपका आर है, ओके, आर,
आर क्या है? ऑपरेंड, ऑपरेंड चला जाएगा डायरेक्टली आपके आउटपुट में, तो ये हमारा स्टैक पे जो सिंबल्स थे वो एज इट इज रहेंगे, ओके। एंड यहाँ पे आपका चला जाएगा पी क्यू एंड आर, ओके, आपका हो गया पी क्यू आर, राइट, ओके। अब नेक्स्ट सिंबल आपका क्या है? माइनस है, ओके, नेक्स्ट सिंबल हमारा माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस को लिया, फाइन। अब देखो, अब जब हम स्टैक के टॉप को चेक करेंगे तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन है, राइट, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस क्या है? हाई है, ठीक है, माइनस से हाई है मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जो ये ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, वो क्या हो जाएगा? पॉप हो जाएगा, राइट, वो कहाँ चला जाएगा? आपका आउटपुट में। तो अब यहाँ पे आपका क्या आएगा? आपका आएगा प्लस, ओके, लेफ्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड माइनस, और जो इसका मल्टीप्लिकेशन था, राइट, वो कहाँ चला जाएगा? वो पॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पी क्यू आर एंड देन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आउटपुट में आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या था? आपका लोअर प्रेसिडेंस का था, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट हमारा अगेन क्या है? लेफ्ट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ओके, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये स्टैक में चला जाएगा आपका, प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस अगेन लेफ्ट पैरेंथेसिस, ओके। एंड आपका यहाँ पे क्या है? पी क्यू आर एंड मल्टीप्लीकेशन सिंबल, राइट, ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आपका, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट, अभी ऊपर इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमारा क्या है? एस है, ठीक है, एस है आपका, तो यहाँ पे आपका एस आ गया, एस, एस कहाँ जाएगा? डायरेक्टली आपका आउटपुट में जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेंड है, ओके, तो आपका ये एज इट इज आएगा, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, राइट, और यहाँ पे आपका आ गया पी क्यू आर, ओके, इसको भी कॉपी कर लेते, मल्टीप्लीकेशन एंड देन आपका आ गया एस, ठीक है, क्योंकि ऑपरेंड क्या है? डायरेक्टली आपका आउटपुट में जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंबल हम देखेंगे, नेक्स्ट आपका डिवीजन का है, डिवीजन ऑपरेटर है, फाइन, डिवीजन ऑपरेटर है, तो हमने यहाँ पे डिवीजन को लिया। अब हमारा क्या चेक होगा? हमारा स्टैक चेक होगा, तो यहाँ पे देखो स्टैक के टॉप पे क्या है? लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ठीक है, इसके टॉप पे आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो हम ये क्या होगा? स्टैक के टॉप पे आ जाएगा, एक मिनट, मैं इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी, तो स्टैक के टॉप पे अब आपका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन सिंबल, वो सॉरी डिवीजन सिंबल आ जाएगा, ठीक है, डिवीजन आ गया, और आपका आउटपुट पी क्यू आर एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ओ इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेशन में, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका डिवीजन के बाद है टी, टी आपका ऑपरेंड है, राइट, टी ऑपरेंड है, हमने यहाँ पे लिखा टी, टी स्कैन होगा, टी स्कैन होने के बाद आपका स्टैक एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टैक में नहीं जाएगा टी, कहाँ जाएगा? आपका आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल वी, और आपका आ जाएगा यहाँ पर टी, ठीक है, यहाँ पे टी आ जाएगा, फाइन। नाउ अब नेक्स्ट सिंबल हम इसका देखेंगे, इसको अब ऊपर करके देखते हैं, टी के बाद क्या है? टी के बाद आपका है एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन है, राइट, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशिएशन, फाइन। अब क्या होगा? अब स्टैक का टॉप चेक होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे टॉप पे एक्सपोनेंशिएशन से कोई अबव प्रेसिडेंस का होता तो वो क्या हो जाता? पॉप हो जाता, बट यहाँ पे क्या है? डिवीजन है, डिवीजन उससे लोअर प्रेसिडेंस का है, तो ये क्या होगा? ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर, फाइन। और देखो, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, और आपका एक्सपोनेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा, आ क्या, ठीक है, डिवीजन नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है? इससे लेस प्रेसिडेंस का है, एक्सपोनेंशिएशन से लेस प्रेसिडेंस का है ये, ठीक है। और आपका जो ये था आउटपुट वो एज इट इज रहेगा, कंट्रोल वी, राइट, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिंबल,
ठीक है। नेक्स्ट सिंबल के लिए आप ऊपर जाते हैं इस, और इसके बाद आपका है यू। यू क्या है? आपका ऑपरेंड है, फाइन। तो इसको मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे हमारा आ गया यू। यू आ गया, यू एज इट इज आपका आउटपुट में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टैग को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और ये भी हमारा कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, और यहाँ पे आपका ऑपरेंड चला जाएगा यू। ओके, यू चला गया आपका ऑपरेंड। अब हम फिर ऊपर देखेंगे क्या है एक्सप्रेशन में नेक्स्ट। अब है आपका राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। राइट पैरेंथेसिस आया है आपका, तो राइट पैरेंथेसिस जब आपका आएगा, ओके, तो जो फर्स्ट आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है वहां तक के सिंबल कहां चले जाएंगे, आपके आउटपुट में चले जाएंगे, ठीक है। हमने रूल पढ़ा था कि क्या था, इफ द सिंबल इज ऑफ राइट पैरेंथेसिस पॉप एवरीथिंग अप टू द फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो अब हमारा क्या आया यहाँ पे यू में, देखो यू के बाद हमारा ये क्या है, राइट पैरेंथेसिस है। राइट पैरेंथेसिस आ गया यहाँ पर, ये हमारा राइट पैरेंथेसिस आ गया, ठीक है। राइट पैरेंथेसिस आने के बाद तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये दोनों सिंबल हैं, ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस है ना, यहाँ तक के जो सिंबल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, आउटपुट में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका स्टैक में क्या रह जाएगा, स्टैक में रह जाएगा प्लस दिस एंड माइनस, राइट। और आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल वी, और आपका आउटपुट में आ जाएगा डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। ये दोनों सिंबल चले गए वहां पर, ओके, क्योंकि आपका इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले आप लिखोगे एक्सपोनेंशिएशन, पहले ये जाएगा ना, ठीक है। तो पहले आपका आएगा एक्सपोनेंशिएशन, फाइन, फिर आपका आएगा डिवीजन, ओके। पहले आपका जो ऊपर एलिमेंट है वो पॉप होगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला पॉप होगा, ठीक है। तो आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, मींस आउटपुट है, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, राइट। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो यहाँ पे हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका टॉप चेक करेंगे, स्टैक का टॉप चेक करेंगे, ओके। मल्टीप्लिकेशन हाई प्रेसिडेंस है, ठीक है, माइनस क्या है, लोअर है, तो ये स्टैक में जाके ऐड हो जाएगा, मतलब स्टैक के टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया, स्टैक के टॉप पे आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया है, और आपका ये जो अभी आउटपुट है वो एज इट इज़ है, इसको हमने एज इट इज़ कर दिया, ठीक है, एज इट इज़ हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका वी। वी आपका ऑपरेंड है, तो यहाँ पे हमने वी ले लिया, वी, वी आपका ऑपरेंड है, वी एज इट इज चला जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैक, ये आपका स्टैक है, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे आपका वी चला गया, वी चला गया डायरेक्टली, ऑपरेंड है ना क्योंकि वी, ठीक है। अब हम देखेंगे अब क्या आएगा, आपका राइट पैरेंथेसिस आ गया, ये जो आपका राइट पैरेंथेसिस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, जो आपका अब लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ठीक है, वहाँ तक का पूरा जितना भी डेटा है वो चला जाएगा। तो ये मेरा राइट पैरेंथेसिस आया, राइट पैरेंथेसिस आया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो आपके आउटपुट में चले जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे प्लस बच गया, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, जो मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस आ गया, ठीक है। और अब आपका क्या है, अभी आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हमारा रूल क्या था, इफ़ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी पॉप ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक एंड अपेंड देम टू द आउटपुट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने स्टैक को एम्प्टी कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे हमारा स्टैक में सिर्फ प्लस बचा था, ओके। तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ये हमारा पूरा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस को,
ठीक है। तो ये आपका क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ये आपका रिजल्ट है, दिस इज योर रिजल्ट, ओके, दिस इज योर रिजल्ट। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।